यमन ठोकेगा यूएस फाइटर जेट को, ईरान ने भेजी भयानक टेक्नोलॉजी, अनबिलीवेबल अविश्वसनीय अकल्पनीय। हुती की मिसाइलों से अमेरिका के विमानों पर मंडरा रहा है मौत का साया। दोस्तों, अब तक अंडर एस्टिमेट किया जाता है यमन की हुती विद्रोहियों को। कहा जाता है कि यमन के हुती विद्रोही एक बहुत ही छोटे गरीब से देश के एक छोटे से विद्रोही गुट है, जिनका थोड़ा मोड़ा चलता है रुतबा लाल सागर पर। लेकिन ये नहीं जानती थी दुनिया की यमन के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जत्था मौजूद है, जो अमेरिका के जेट के लिए जबरदस्त खतरा है। हम बात कर रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी की, सतह से हवा में मारक क्षमता रखने वाले मिसाइलों की, जिनसे अमेरिकी फाइटर जेट को बनाया जा सकता है निशाना। और इसके पीछे ईरान की खतरनाक टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। दोस्तों ईरान से मंगवाई गई ये टेक्नोलॉजी अमेरिकी एयरफोर्स के होश उड़ा रही है। अभी तक 4 बार अमेरिका हुती पर हमला कर चुका है, और अगर अगला हमला भी हुती पर अमेरिका ने कर दिया तो ऐसी स्थिति में हुती विद्रोही भड़क कर अपने SAM कैपेबिलिटी, जिसे सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी कहा जाता है, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के जत्थे का बराज खोल सकते हैं, जिससे अमेरिकी और UK के फाइटर जेट के चीथड़े उड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, इतने एडवांस 5th-6th जनरेशन के फाइटर जेट लेकर बैठे हैं UK वाले, अमेरिका वाले, US की एयरफोर्स, UK की एयरफोर्स, उसका सामना कैसे कर पाएंगे हुती विद्रोही। तो आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, यमन के पास वो सारे हथियार मौजूद हैं जो सबसे ताकतवर से ताकतवर हवाई लड़ाकू जेट को भी गिरा सकते हैं। अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यमन के हुती विद्रोहियों ने ईरान के सपोर्ट से रशियन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हुती विद्रोहियों के पास रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है। और इन्होंने इसे कैसे पाया है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया जानती है कि रूस के ऊपर और ईरान के ऊपर अमेरिका ने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान एक तो अमेरिका के साथ में बिल्कुल भी तालमेल नहीं बढ़ाना चाहता, दूसरा ईरान अपनी मिलिट्री शक्ति को बढ़ाना चाहता है ताकि मिडिल ईस्ट में उसका रुतबा बढ़े, जिससे अमेरिका टेंशन में रहता है। इसीलिए उसने काफ़ी सारे सैंक्शन उसके ऊपर लगा दिए हैं। नतीजतन वो किसी से कुछ ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान और रसिया के फ्रेंडशिप से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रसिया से ईरान पहुँची, और ईरान ने पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में, खास करके यमन के हुती विद्रोहियों को, सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी प्रदान कर दी है। सुनकर हिल जाएंगे आप, कौन सा जुगाड़ निकाला है यमन के हुती विद्रोहियों ने, और क्यों हम कह रहे हैं कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बताया जाता है कि इसराइल के पास मरकाना टैंक है, जो कि दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री टैंक में गिने जाते हैं, लेकिन उनके भी 850 पीसेस को राख में बदल दिया गया है। गाजा की तंग गलियों में हमास के लड़ाकों ने अपने कंधे पर छोटा सा RPG लॉन्चर रखकर, आप सोचो जरा, कुछ ऐसा ही हो सकता है अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू जहाज़ों के साथ, जो कि बेहद एडवांस बताए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि यमन के आसमान में एंटर करते ही उनके पर खच्चे उड़ जाएं। अगर यमन के हुती विद्रोही चाहें इस लेवल पर एक्शन करना, इस जंग को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रशियन मेड सरफेस टू एयर की बात हो रही है, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को मंगवाया गया पहले ईरान, और बाद में पहुंचा यमन, और यमन के हुती विद्रोहियों ने उस पर एयर टू मिसाइल के अंदर कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन कर दिए कि फिर उसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रक लॉन्चर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के रूप में किया जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि हुती इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको भी जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसराइल ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम लगा रखा है, जो कि उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हमास के लड़ाकों ने उसे भी अपनी युद्ध नीति से विफल कर दिया था। आयरन डोम एक साथ 10-25 मिसाइल रॉकेट या फिर एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। आयरन डोम की ये कैपेबिलिटी है कि पहले वो एयर स्पेस को स्कैन करता है और फिर टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, ये पर्टिकुलर नंबर तक ही टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। हमास ने एक साथ 5,000, 7,000, 8,000 रॉकेट दागे, जिससे आयरन डोम का जो सिस्टम था वो कन्फ्यूज हो गया कि पहले इसको मारे, पहले उसको मारे, पहले किसको मारे, और ऐसी स्थिति में बहुत से रॉकेट आयरन डोम से मिस हो गए। नतीजतन इसराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ठीक इसी तरीके से एक और टेक्निक होती है, जिसे सैम बुश नाम दिया गया है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी इसे माना जाता है, जिस पर छोटे देश बड़े देश की आर्मी को घुटनों पर ला सकते हैं।
अब सैमबुस क्या है इसे भी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए गाजा के तंग गलियों में क्या हुआ कि जब IDF के जवान वहां पहुंचे तो हमास के लड़ाके उन्हें घेर कर खात लगा कर जाल बिछा कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब भी IDF के जवान उनके जाल के करीब पहुंचते तो अचानक उनके नज़रों में एक हमास का लड़ाका आ जाता और वो भागने लग जाता। IDF के जवानों को लगता कि ये हमारे डर से भाग रहा है और वो उनका पीछा करते करते वो ऐसी तंग गली में पहुंच जाते जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता और उसी के इर्द गिर्द हमास के लड़ाके उन्हें घेर लेते। और फिर किस्सा खलास। हमास के इस रणनीति को एम्बुश कहा जाता है, लेकिन हुती ने इससे भी खतरनाक रणनीति बनाई है जिसे सैमबुश नाम दिया गया है। SAM सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल और बुश मतलब घात लगाना। इस रणनीति में हुती क्या करेंगे कि जैसे ही US का फाइटर जेट या रॉयल एयरफोर्स का फाइटर जेट यमन में एंटर करता है, ये उन पर एक साथ बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल दाग देंगे। एक फाइटर जेट भले ही 1, 2, 5, 10 मिसाइल को रोक ले, लेकिन इनके क्षमता से अधिक मिसाइल आ गई तो उन्हें ये रोकने में असमर्थ हो जाएंगे, जिससे US एयरफोर्स या फिर रॉयल एयरफोर्स को भारी नुकसान होगा। दोस्तों अमेरिकी लड़ाकू जहाज अगर उड़ते हैं वहां पर तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं हुती विद्रोही, और यह बहुत बड़ा अलार्म है लाल सागर के लिए। हो सकता है यह जंग अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़े, लेकिन सिचुएशन यह है कि अमेरिका को तय करना है, जो ताकतवर देश हैं उन्हें तय करना है कि जंग किस तरफ ले जानी है, इस जंग को और भड़काना है या फिर शांति की ओर ले जाना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हुती उनके पास वह मादा है, वह कुवत है, वह कैपेबिलिटी है कि वह US के फाइटर जेट को मार गिरा सकें? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका इस वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद।